पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी जीत का झंडा लहरा दिया है, बांग्लादेश को भी हरा दिया है, पेसर्स ने फिर से कहर ढा दिया है। तो देखेंगे फिर कॉमेडी पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश एशिया कप के ऊपर। लेट्स स्टार्ट। एक दफा फिर से बेहतरीन पेस अटैक हमारा जो है उसने हमें मैच जिता दिया। 200 से नीचे इनको रोका हुआ था बांग्लादेशियों को, नहीं तो मुझे लग रहा है कि हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती थी, क्योंकि हम पेस अटैक के बारे में बात करते रहते हैं और पाकिस्तान के पेस अटैक के बारे में हमेशा बात हो रही थी, लेकिन अगर दूसरे नंबर पर मुझे कोई नजर आ रहा है इस वक्त पेस अटैक तो वो है बांग्लादेश। आप इनकी सीम पोजिशन चेक करें, ये बॉयज जो है बड़ी ही डिसिप्लिन किस्म की बॉलिंग करा रहे हैं, यंग हैं और पेस पेस भी इनकी अच्छी है, 140 तक टच कर रहे होते हैं ये लोग। और मेरे ख्याल में तो इनके जो है चांसेस हैं, जो मैं पहले भी कह रहा हूँ कि मुझे लग कि कहीं से आउटसाइड चांस इनका है, ये लोग फाइनल वगैरह भी खेल सकते हैं। सो आज हमने इनको 200 से नीचे रोक लिया था, अदरवाइज हालात जो है वो थोड़े से टाइट हो सकते थे। लेकिन जो मेरा दोस्त जिसने आज फिर हमें बचाया वो है मेरा दोस्त इमाम उल हक, जिसको पाकिस्तान में लोग पर्ची समझ, ऐसी पर्ची है मेरे दोस्त, कोई 4-5 और टीम में भर्ती करा दो ताकि कहीं ना कहीं हमारी टीम जो है वो बिल्कुल ही कोई हरा ही ना सके। लेकिन हमारी कौम इसी तरह ही होती है, उनको इसी तरह की चीजें होती है, उनको सिर्फ अपने आप के समय, पहले ही पता नहीं कितने एपिसोड के अंदर बता चुका हूँ कि अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए गए मैं तो इसलिए इनसे पीछे हूँ क्योंकि वो उनके पास तो पर्ची है इसलिए वो आगे चले गए, नहीं तो मेरी भी तो बहुत काबिलियत थी और मैं बहुत आगे जा रहा था। सिर्फ अपने ऊपर देखो और किसी को ना करो कि वो पर्ची है, वो किसका बेटा है। खैर हमारा जो पेस अटैक है वो कमाल यार, उसने हर टीम को ऑल आउट किया, नेपाल को भी ऑल आउट किया, इंडिया को भी ऑल आउट किया और अभी बांग्लादेश को भी ऑल आउट कर दिया। और आज इन्होंने ली है 9 विकेट्स, पिछली दफा ली थी 10 विकेट्स और आज इन्होंने फिर 9 लिए, बीच में एक इफ्टी ने आउट कर दिया, थोड़ा सा रंग में भंग डाल दिया, लेकिन शुक्र है कि किसी स्पिनर ने भी हमारी टीम में जो है कुछ परफॉर्मेंस कर दी। और उसी के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा कि यार इफ्तिखार इज डिसेंट इनफ स्पिनर, उसको हम क्यों नहीं यूज कर रहे हैं आज। वैसे जो बीच में एक लम्हा आया था इसके ऊपर हमने फिर इनके कोई 60 के ऊपर चार आउट की हुई थी और फिर एक पार्टनरशिप हो गई थी 100 रन की, जिस तरह की इंडिया वाली भी हो गई थी 100 रन की, और उसके बीच में पता क्या फर्क क्या था तब और अब, मेरा फीमू राणा, लोग राणा राणा कहते रहे, राणा को परवाह नहीं, एक बार दिल लगा के देखो राणा बेवफा नहीं। वाओ ब्यूटीफुल से विकेट वहां पे लिए ना, वहीं पर सारा गेम टर्नर हो गया था। और ये जो शफीकुर रहमान है यार, इस बॉय ने भी, ये कुछ लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को पेलने का ठेका लिया हुआ है, जिसके अंदर कोहली है, पांडू मेरा दोस्त जो है, और एक ये भी है, पूरी दुनिया से कोट खा रहे होंगे, पूरी दुनिया के ऊपर इनकी फॉर्म जो है वो निकल गई होगी, इनकी अपनी टीम वाले इनके ऊपर थू थू कर रहे होंगे, इसको टीम में क्यों रखा हुआ है, इनको पाकिस्तान के सामने रख दो, इन्होंने चमाटे मारना शुरू कर देने, और वो भी तब जब पूरी की पूरी उनकी टीम फेल हुई होगी और यही जो है ना आके हमें चमाटे मार के चले जाएंगे और टीम में जगह भी वापस बना देंगे। मुझे तो लगता है इनसे कुछ सैलरी वैलरी ले रहे हैं हमारे प्लेयर्स के, आपको जो है ना हम टीम में वापस लाने के लिए कोई ना कोई तो हम भी लेंगे। खैर पहले ओवर में फिर से आउट होना शुरू हो गया, खैर पहले ओवर में तो नहीं होता, पहले ओवर बहुत अच्छा हुआ था तो इसलिए दूसरे ओवर में नसीम विकेट लेके चला गया था, शाहीन ने भी आउट कर लिया, फीमू ने भी ली, हारिस रूफ ने भी 4 विकेटें ले ली, कमाल, एक टाइम के ऊपर तो हैट्रिक होने वाली थी मेरे दोस्त की, खूबसूरत फास्ट बॉलिंग हो रही थी और वो भी ऐसी फट्टा विकेट के ऊपर, जी मतलब रनवे जो होता है ना के ऊपर जहाज ऊपर नीचे उड़ता तो बहुत ही वो क्रिटिकल किस्म की चीज होती है कि कहीं भी जो है कोई हल्का फुल्का सभी खड्डा ना हो, उससे भी ज्यादा फ्लैट पिचेस होती है हमारी पाकिस्तान में, स्पेशली लाहौर वाली, और उसके ऊपर भी क्या खूबसूरत बॉलिंग कराई है दोस्तों। साथ साथ न्यूज तब बनती है जब बाबर स्कोर नहीं करता, जब स्कोर कर रहा होता तब तो ओके चीज है कि बस ठीक है, तो आज फिर जो है वो नीचे, और बेसिकली बॉल जो है वो नीचे बैठ गई थी, जीप से नीचे बैठी थी बॉल जो है वो बाबर के चरण छूने की कोशिश कर रही थी आशीर्वाद लेने के लिए, नीचे झुक रही थी तो वो नीचे से नीचे वाली अच्छे लग के जो है वो शलवार के जिस तरह वो नीचे नाड़े को लग के निकलती ना बॉल, उस तरह निकल के बोल हुआ मेरा दोस्त। खैर कोई अलार्मिंग चीज है तो वो है मेरा दोस्त फखर जमान, बड़े अरसे से हम देख रहे हैं कि वो आउट ऑफ टच, आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं और अब ये मामला थोड़ा सा सीरियस हो गया है। दुआ तो यही है कि फॉर्म वापस आए और वो भी इंडिया के खिलाफ ही आ जाए, लेकिन ये टॉप ऑफ दी ऑर्डर अगर आपकी इस तरह की फॉर्म हो, अगर फॉरन अर्ली एक विकेट गिर जाए तो आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है कहीं ना कहीं। सो ये चीज अब काफी अलार्मिंग हो चुकी है एंड आई होप कि जल्दी वापस आ जाए। एक दफा पहले भी इसी तरह की कोई सिचुएशन हुई थी, मेरे ख्याल में लास्ट एशिया कप था, इसके ऊपर ये कैचेस वगैरह भी ड्रॉप कर रहा था और मैंने तब भी कहा था कि भाई दिमाग में से कुछ चल रहा है, मतलब ये कहीं परेशान है, कोई घरेलू मसाइल है, उस किस्म की चीज़ है। और अभी भी कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है भाई, या तो घरेलू मसाइल हैं या पता नहीं किस किस्म के मसाइल हैं, बट जो भी मसाइल हैं आई होप कि जल्दी बाहर इनसे निकल आएँ और वापस फॉर्म आ जाए, क्योंकि ये भी काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन होगी, आज भी नहीं चला। खैर पाकिस्तान में मैच हो रहा था तो नज़र आ गया, क्योंकि फ्लड लाइट्स हमारी बंद हो गई थी, बीच में 15-20 मिनट मैच रुका रहा है क्योंकि लाइटें बंद हैं, मतलब पूरे साल के अंदर तो कोई एक मैच कराना होता है उसके लिए भी तैयारी नहीं कर सकते हो, ये सिफारिशों को भर्ती करना बंद कर दो ना यार, तुम लोगों ने सारी पर्ची भर्ती किए हुए यार, मतलब पूरी दुनिया देख रही है और लाइटें बंद हुई नहीं। हमारे भी कोई इस किस्म की भी ये क्रिकेट में रूल वो डकपड़ लुअस और इस किस्म की चीजें होती तो एक नया रूल ये भी बना दो, स्लो बॉलिंग कराना शुरू कर दो भाई, एक सर्टन पेस रख लो जिस ऊपर जाना नहीं। मेरे ख्याल में इंडिया वालों ने तो वैसे ही रूल रखा है उनके पेस बॉलर्स हैं, लेकिन कर दो भाई स्पिनर्स को खाली बॉल शॉट कराओ, बट हमारी भी तो कोई मजबूरियां होती है ना, अभी
फ्रेडलाइट्स नहीं चल रही हैं, कोई इस किस्म का चक्कर हो गया, तो नॉर्मल बात है बिल्कुल ही, हम तो पूरा टूर्नामेंट हमने होस्ट करना था। खैर रिजी मेरे बॉय ने भी बेहतरीन इनिंग्स खेली, उसने भी 50 मार दिए और क्या टांगे खोल खोल के जो है ना बिल्कुल कैंची पोज में मेरा दोस्त है वो विकेट बचा, जो कोई 50-1 रुपए हैं वो बेशक काट लो इस बॉय के, लेकिन फिर भी हमेशा एक सॉलिड पार्टनरशिप दिए इसने और पिछले कुछ मैचेस में इतना नोटिस नहीं हो रहा लेकिन बड़ी बेहतरीन कॉन्ट्रीब्यूशन की इसने टीम के लिए। ये और बात है कि जो पिछला वो मैच था इंडिया वाला उसके अंदर निहायत थी एवरेज किस्म की कीपिंग हो रही थी, बार बार बटेरे बाहर गिर रहे थे हाथ में से। एक और बात मेरी जो ये वीडियो किसी तरह पीसीबी तक पहुंचा दी जाए और उनसे ये गुजारिश कर दी जाए कि हमारे जितना भी जो ये पेस अटैक है ना इनको कह दिया जाए कि भाई चौका जा रहा है तो जाने दो, ये बाउंड्री के ऊपर इतनी जान मारने की जरूरत नहीं, जो डाइवे मार रहे होते हैं आज फिर नसीम ने पता नहीं डाइव मारी है वो उल्टा लेटा वो पल्सिटी खा के बाउंड्री के आधा इस तरफ आधी उस तरफ पड़ा रहे और मेरी तो वहां पे जो है ना बिल्कुल दिल बैठ गया था क्योंकि कंडीशन देखा उसको प्रॉब्लम शुरू हो गया था, हमें राइट शोल्डर का जो उसका बॉलिंग उसको मसला हो गया था बाहर गया उसके, मैं खामे को 15-20 मिनट के बाद कहीं जाके को थोड़ी बहुत वार्म अप वगैरह हुई मेरी भी जान में जान थोड़ी सांस में सांस आई कि शुक्र है ये वापस अंदर आ रहा है। लेकिन मेरी भाई ये एक अपील है ये बेशक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ शेयर करें, जिधर भी जो भी रेलिवेंट लोग जो हैं जो कि डिसीजन ले रहे हैं इस मुल्क के उनके साथ ये शेयर कर दीजिए और उनको बता दीजिए कि यार जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं इनको ये बोल दो कि जाने दो भाई चौका जाने दे भाई, एक दो रन जो तुम लोगों ने बचाने दे दो, खुद किक मार के बेशक चौका दे दिया करो लेकिन ये हरकतें मत करो, डाइवें शाइवें मत मारो यार, ये मैनेजमेंट ही बता दे इनको कि ये हमारा शाहीन जो पहले इतने क्रूशल मैचेस के अंदर इंजर्ड बैठा रहा है वो इसलिए बैठा रहा है फील्डिंग करते हुए कहीं घुटना दे मारा है भी इतने लंबे लंबे ये सब जो है लेट लेट के सब रहे जॉन्टी रोड्स भाई कोई रोल रख लो कि किसने किस हद तक जाना है, ये फास्ट बॉलर्स के ऊपर विनती कर रहा हूँ मैं हाथ जोड़ के, इनको रन बचाने की कोई जरूरत नहीं जाने। दूसरी कुछ खबरें भी आ रही जिसके अंदर इस किस्म की कोई चीज़ हो रही है कि वो गिल्ली ने उस दिन नेपाल के ऊपर 61 रन बनाए तो उसकी रैंकिंग के ऊपर मेखा में 16 या 18 पॉइंट्स मिल गई उसको जंप मिली, और हमारे बाबर ने उस दिन 150 रन बनाए थे तो उसको पता नहीं कोई 5-1 पॉइंट्स मिले थे, तो ये कौन सी रैंकिंग है, ये किस किस्म का चक्कर चल रहा है कि एक ही टीम ये एक रात के अंदर नेपाल ने ऐसा क्या कर दिया था कि उसको इतने ज्यादा जो है पॉइंट्स मिल गए, उन्होंने ऐसा क्या गुनाह किया था या मेरा ख्याल में उन्होंने कोई ऐसी परफॉर्मेंस दे दी पीछे जाके लूडो खेल के उसके अंदर ऐसी कोई चैंपियन बन के आए हैं उस मैच से पहले कि उसके ऊपर जब गिल्ली ने बनाया तो उसको कोई 50 पॉइंट्स मिल रहे हैं कि भाई इसको आगे लेके जो 15 पॉइंट दे के उसके ऊपर घुसा घुसा के लेके जा रहे हैं। वैसे आपस की बात है मजाक अगर मैं साइड पर करूँ तो मेरा ख्याल में कोई इस किस्म की रैंकिंग होगी ना कि भाई बॉलर की रैंकिंग क्या है और बैट्समैन की रैंकिंग क्या है, नंबर वन बैटर जो है वो अगर 150 रैंक वाले बॉलर को छक्का मारेगा तो उसके शायद कम पॉइंट्स होंगे लेकिन अगर नीचे रैंकिंग वाला कोई इसी को मारेगा तो उसके शायद थोड़े ज़्यादा पॉइंट्स हो जाएंगे, मुझे तो यही लॉजिक एक समझ आ रही है और तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन खैर जो भी हो गिल्ली ने 70 मार के जो है वो ज़्यादा वो कर लिया, पॉइंट सिर्फ ये है कि यार चलो ठीक है हमारे भी तो उसने 150 रन है ना, उसने भी 70 रन मारे होते और फिर इस तरह कंपेरिजन और तो फिर भी कुछ समझ आ रही थी, बट खैर यार जो भी चल रहा है बीसीसीआई जो कह रहा है जिस तरह कह रहे हैं बस उनकी मान लो वही ठीक है बाकी सब गलत है। कोहली के लिए सैंड आर्ट ही बना हुआ था जिसके ऊपर गवादर में मेरे ख्याल में कोई लड़के भी कोई बनाया था कोई सैंड आर्ट इसी किस्म का और ये बड़ी बेहतरीन में से सैंड आर्ट, और मेरा क्वेश्चन सिर्फ एक यही है मेरे इंडियन चाहने वालों से, क्या दोस्तों आप लोगों के उधर भी इस तरह पब्लिकली आप लोग बाबर के लिए कोई स्केच बना सकते हैं जिसको फिर आपकी आवाम भी सराहेगी जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हो रहा था, जितने कोहली के शर्मा के पता नहीं शर्मा के तो फैंस हैं कि नहीं बट कम अज़ कम कोहली के फैंस हैं इधर और हम लोग खुल के तारीफ भी कर रहे होते हैं मजाक भी उड़ाते हैं हंसते भी हैं ये वो बट जो भी हो कम अज़ कम हम मानते हैं कह रही है और हमारे टीवी के ऊपर तो माशाल्लाह लेजेंड्स भी जो है वो कोहली को सेलेक्ट कर रहे होते हैं अपनी ही लेजेंड्स के ऊपर क्योंकि उनकी आपसी जो पॉलिटिक्स हैं वो भी चल रही थी, हमारी तो पॉलिटिशियंस हैं हम बेसिकली हमारे खून के अंदर ये सब चीज़ें बची, हमारा सिर्फ इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में ही होता है दूसरे को नीचे करने के चक्कर में लगे होते हैं, बट जो भी हो क्या इंडिया के अंदर इस तरह पब्लिकली लव अफेक्शन जो है वो शो की जाती है पाकिस्तानी प्लेयर्स के बारे में, और अगर की भी जाती है मुझे पता है बहुत से हमारे जो फॉलोवर्स हैं वो बेचारे लिख रहे होते हैं मेरे कॉमेंट्स में ही बड़ी तारीफें आ रही होती हैं बड़े ही अनबायस्ड किस्म के पढ़े लिखे इंडियंस हैं जो कि इस किस्म का ओपिनियन रखते हैं, लेकिन क्या पब्लिकली इन चीज़ों को इस तरह सराहा जाता है और इसी तरह सेलिब्रेट किया जाता है पाकिस्तान के अंदर, तो आप लोगों को इस चीज़ का जवाब मिल जाएगा जैसा भी हो ठीक है हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज और जो भी हम हरकतें कर रहे होते हैं कम से कम लोग हम खुल के जो है प्यार भी कर रहे होते हैं और खुल के उसको सराहते भी हैं अगर कोई और प्यार कर रहा हो। खैर शुक्र है पाकिस्तान का बांग्लादेश का जो मैच था ये जरा फंस गया था, मेरे ख्याल में हम यहाँ से दोबारा उड़ के वापस जाएंगे श्रीलंका के अंदर, तो बस इधर उधर ही होते कभी श्रीलंका कभी पाकिस्तान कभी अफगानिस्तान कभी ये वो, तीन इंटरनेशनल टीमें वैसे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त खेल रही हैं, सिर्फ एक इंटरनेशनल टीम है जो यही कह रही है कि इंटरनेशनल टीम्स को बड़ा खतरा होता है, इधर से पहले ऑस्ट्रेलिया भी आ चुकी है इंग्लैंड भी आ चुकी है इंटरनेशनल टीम्स बेसिकली न्यूजीलैंड भी होकर चला गया, तो 7-8 इंटरनेशनल टीम्स तो पाकिस्तान में खेल के गई हैं बिल्कुल सही तरह, सिर्फ एक ही इंटरनेशनल टीम है जिसको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और उनको इकॉनमी से भी रिलेटेड हमारे बड़े ज़्यादा कंसर्न्स हैं। थैंक यू वेरी मच आप लोगों को इतनी फिक्र है हमारी, लेकिन ये जो चक्कर हो रहा है जो मैसेज दिया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर वो भी हम समझते हैं कि क्या है, क्रिकेट को मेरा ख्याल में इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए, आपके पॉलिटिशियंस और आपकी इवन आर्मी के इंडिविजुअल्स हैं वो इस किस्म के कोई बयान दें तो समझ भी आता है, लेकिन क्रिकेटर्स को ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बट चलो कोई नहीं
मेरा दोस्त जो जय शॉ वगैरह और इस तरह के जो लोग हैं उन सब की भी अबू मेरा ख्याल में पॉलिटिशियन हैं, उनको सीट भी शायद जिस वजह से मिली भी होगी, वो जिस गवर्नमेंट की नैरेटिव है वो उसी को बेचेंगे, तो उन वो दोस्त क्या कर सकते, इसी तरह करते रहेंगे। बट चलो खैर, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलूंगा, उसके अंदर जो मैच हो रहा है, मेरा ख्याल कल मैच हो रहा है, परसों मैच हो रहा है, जो भी, और उसके बारे में बात करेंगे, इंडिया के भी जो मैच है उसके बारे में बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक के बटन को जरूर छू लें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके सीबी आर्मी का हिस्सा भी बन जाए। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। पेसर्स ने फिर से दिखा दिया है कि पाकिस्तान का जो बेस है, जो सदियों पुराना बेस है पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग, उसने फिर से काम कर कर दिखाया है। एंड यस, मुझे बांग्लादेश की भी तारीफ करनी है बॉलिंग की। शौरीफुल हैं या कौन है वो लेफ्ट हैंडेड बॉलर जो हैं, वो अच्छी बॉलिंग करा रहे थे, वो भी एक प्लानिंग के साथ, किसको आउट किया था उन्होंने, फ़खर को शायद, है ना। तो दो बॉलें उन्होंने बाहर डाली आउट स्विंग करते हुए, तो उन्होंने एक बॉल फिर अंदर डाली उन्होंने जिस पर LBW हुआ था। बहुत तगड़ी बॉलिंग करा रहा था वो बंदा, मतलब बॉलिंग में दम है उनकी, बैटिंग थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन जो भी है पाकिस्तान ने फिर से पेस अटैक कर कर, पेस से घेर कर पूरी टीम को हरा दिया है, मार दिया है, कुछ अमेजिंग था। एंड फैन आर्ट की बात करो यार, मुझे नहीं पता था पाकिस्तान में, वैसे मुझे ये पता था कि फ़ैन बहुत थे लेकिन इस तरह से होता है ये नहीं पता था। बाबर के बारे में मैंने इंडिया में नहीं देखा है अभी तक, ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो, यहाँ पर सोशल मीडिया पर या वैसे हम बात कर लेते हैं, मैं कर लेता हूं, बाबर बहुत बढ़िया बैट्समैन हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, अच्छा लगता है उनको देखना, उनके कवर ड्राइव्स, उनकी बैटिंग देखना अच्छा लगता है। ये मैं इस तरह से मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मुझे और दूसरे इंडियंस को मैंने देखा है, यूट्यूबर्स को देखा है मैंने तारीफ़ करते हुए पाकिस्तान, पाकिस्तान की टीम की अनबाइज्ड बोलते हुए। मैंने इंडियन मीडिया के लोगों को भी देखा है, लेकिन ये नहीं देखा कि कोई फ़ैन आर्ट वगैरह बना रहा हो इस तरीके से। गवादर में ये आर्ट कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी बनी थी, सैंड आर्ट बनी थी भाई, कमाल कर दिया भाई। और फिर कोहली अगर मिलते भी हैं पाकिस्तानी लोगों से हंस बोल कर, हंसते हुए, तो भाई कुछ लोगों को मिर्चें लग जाती हैं पिछवाड़े में ये भी मैंने देखा है। सो फिलहाल एंड करते हैं इस वीडियो को, तो ज़बरदस्त धमाकेदार, बाबर आजम नहीं चले कोई बात नहीं, हर दिन हर बार चले ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, देखते हैं आगे आने वाले मैचेस में क्या होता है। लेकिन मैंने कल का मैच बहुत इन्जॉय किया, अगर आपने किया हो तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिलहाल एंड करते हैं वीडियो को, सब्सक्राइब करते हुए जाओ, बाय।